बलिया के बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपने बेटे हजारी सिंह की गुंडागर्दी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल बैरिया विधायक के बेटे ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तहसील में राजस्व कर्मी से मारपीट की है। आरोप है कि विधायक के बेटे ने जमधरवा गांव के बीएलओ को हटाने को लेकर यह मारपीट की। उनके बेटे पर आरोप है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है R9 टीवी पर। क्या कुछ कहेंगे? ये राजस्व कर्मियों के साथ मारपीट हुई है और ये आरोप लग रहा है कि पीटा गया। ऐसा नहीं है पत्रकार जी, आप जानते ही हैं कर्मचारी अधिकारी अभी जितना सुधरना चाहिए पूज्य जोगी जी के राज में, हम लोगों के राज्य में उतना सुधरे अभी नहीं है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। कार्यकर्ता गए थे, हमारा पुत्र तो अध्यापक है, आपको जानकर खुशी होगी, मेरा लड़का फोर्थ फर्स्ट क्लास है, वो अध्यापक है। बिहार में लोग तो ड्यूटी करने गया था, तो अब पता नहीं, हो सकता है कि उस सब बता दिए हैं, उस सब की हजारी थे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो झूठा नाम रख करके ये करते हैं। अभी तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं वैसे इस घटना की निंदा करता हूँ। मैं इसको, कर्मचारी भी हमारे हैं और कार्यकर्ता भी हमारे हैं, लेकिन कर्मचारियों को सुधर जाना चाहिए। तो हमसे ये जो पूज्य जोगी जी का राज है, भ्रष्टाचार करके कोई जो है सकुशल नहीं रह सकता है विधायक जी। इसीलिए तो ये सवाल है, अगर योगी जी का राज है तो क्या कानून को अपने हाथ में ले लेना चाहिए? आपके जो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो पैसा मांग करके काम करना चाहता है वो भी कानून हाथ में ले रहा है। ठीक है जी। तो मैं समाज को से अपील करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अप्लीकेशन लोग दें, हम कार्रवाई करवाएंगे। झगड़ा करना उचित नहीं है, ये अच्छा चीज नहीं है। वैसे झगड़ा बहुत नहीं हुआ है, धक्का मुक्की हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है, आप समझ रहे ना जी। क्या भी ये कहना चाहते हैं कि दोनों तरफ से हुआ है तो इसलिए कार्यकर्ता भी धक्का मुक्की करे अगर अधिकारियों के खिलाफ कहीं कोई ऐसा मामला सामने आता है? और घूस मांगने कोई कर्मचारी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ये करनी चाहिए, क्रिया की प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी गलत काम कर रहा है, अगर वो आपके साथ धक्का मुक्की करता है तो आपको भी वो काम करना चाहिए जो आपके बेटे और कार्यकर्ताओं ने किया है, लेकिन क्रिया का प्रतिक्रिया होता है जी। और उसमें मारपीट करनी चाहिए, उसमें मारपीट करनी चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा करना चाहिए जी। ये स्वाभाविक मनुष्य का दुर्गुण है, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। पत्रकार जी, आप विद्वान है, आप खुद माने हमारे बात पर मत जाइए, क्या आप इसके बारे में सहमत नहीं है? बोलिए आप। नहीं विधायक जी, एक सवाल हम जानना चाहते हैं। जवाब, आपने कहा कि हिंसा के समर्थन में आप नहीं हैं, आपने कहा लोग भी शिकायत करें, हिंसा ना करें। ये जो आपके कार्यकर्ता आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपके बेटे आपके घर में हैं, क्या उन लोगों से कभी इस तरह की बात हुई है जो मारपीट कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ कानून हाथ में लेकर? प्रोसेस आपने बताया, अच्छी बात है सर, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात। चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, अगर शिकायत करनी है उसकी कानूनी प्रक्रिया है, आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। अशोक चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिला अधिकारी हैं। चौधरी जी स्वागत है आपका R9 टीवी में। सवाल, विधायक के बेटे ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की यह खबर निकल कर आई है, कितनी सच्चाई, क्या कुछ ये पूरा मामला था आपके संज्ञान में है? आज लगभग 1:30 बजे जी, 1:30 पर मेरे कार्यालय में एक कर्मचारी है राधेश्याम जी, ये निर्वाचन का कार्य देखते हैं, एक बीएलओ के को हटाए जाने को लेकर के इन्होंने पहले प्रयास किया था, क्योंकि जो है मामला जांच में चल रहा था जी, तो जांच के बाद ही उसको हटाए जाने की बात हुई थी। मैंने इनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, कल बोर्ड की परीक्षा है, परसों यानी शुक्रवार को मैं जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा जी। फिर इन्होंने क्या किया, मुझसे जो है कहा कि मैं तो आपके उसको जो है सबक सिखाऊंगा जी, बाबू को जी। मैंने कहा देखिए कानून आप अपने हाथ में मत लीजिए, मैं इस मामले को जो है जांच करके निपटा दूंगा, जो सही होगा वो कर दूंगा। उसके बाद मैं कार्यालय से जो है जैसे ही आवास पे आया लंच टाइम में, पीछे एक भीड़ भागती हुई कर्मचारियों की आई कि साहब जो है विधायक जी के बेटे ने 5-7 समर्थकों के साथ जो है राधेश्याम को बहुत मारा पीटा जी। तो ये घटना हुई, उसके बाद जो है FIR दर्ज हो गई है बैरिया थाने में जी। हाँ चलिए, FIR हुई है, उन्होंने मारपीट किया है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ जी। FIR हो चुकी है चौधरी जी? जी जी। तो कार्रवाई कब तक संभव? अब FIR हुई है, अब ये तो पुलिस की ड्यूटी है कि जितनी जल्दी से जल्दी जो है गिरफ्तारी वगैरह करे।
जी, अभी पुलिस का काम है जी। दबाव तो आपका भी रहेगा ना सर? बिल्कुल, मेरे कर्मचारी के साथ घटना हुई है तो मैं सबको न्याय देता हूं, तो अपने कर्मचारी को भी न्याय देने का और दिलाने का दोनों प्रयास करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौधरी जी, SDM बैरिया हमारे साथ जुड़े थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि FIR दर्ज कर दी गई है और कार्रवाई अब पुलिस के जिम्मे है।